वादा करता नहीं। हम मर जाएंगे लेकिन छूटेंगे नहीं, वादा करते हैं। इतना तकलीफ में हम गुजरते हैं, हम क्या पूछेंगे अपने बेटा से। दिन रात हम रोते हैं, दिन रात कोई के कोने से हमने दिल नहीं मानता है, दिन रात मेरा आत्मा रोता है, मेरा करेजा पड़ता है मेरे बेटा के लिए। मेरा ये कि वो दोषी है कि निर्दोषी है, अगर दोषी पकड़े गए तो, दोषी पकड़े गया है तो दोषी तब सजाए होगा, और नहीं दोषी पकड़ा गया तो आके आँख से लोर गिर रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम बाद में हम देखेंगे, पूरा माँ की आवाज़ उठाएंगे, झुकेंगे नहीं। पेशी के दौरान आज अपनी माँ से मुलाकात की, और अभी हमारे साथ उनकी माँ भी हैं। आज बहुत दिनों बाद मनीष कश्यप से मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातें हुई? कुछ नहीं बात हुई, ये बोले हैं कि जे आप बोलिएगा कि जे हमको यही मांग है, बस सिर्फ यही मांग है कि जे CBI जांच करे और दूध के दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा बेटा के खाली निर्दोष में फंसाया गया है, इन लोगों अभी फंसाते जाते हैं। नहीं, बहुत तकलीफ है, अब बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं, उनको बस CBI जांच की कराइए, उनको रिहाई बस हम मांगते हैं, जैसे CBI जांच करा के उनको रिहाई चाहिए हमको। मतलब बेटा से कुछ बात नहीं हुआ, बस देखी? हाँ, बेटा से तो कुछ बात नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कुछ मतलब दिल का बात नहीं हो पाया, कुछ नहीं, हमको हिम्मत नहीं पड़ता है कि जी उनसे कुछ बात हम पूछें। हाँ, क्यों आखिर क्यों बात क्यों नहीं खुल के कर पाती हैं? हमको अंदर इतना दर्द है जो हम क्या पूछे अपने बेटा से। आज हथकड़ी लगा है माँ के सामने, माँ के सामने जेल में जाता है, जेल में से आते हैं, हम क्या बीता है हम नहीं जानते, इतना तकलीफ में हम गुजरते हैं, हम क्या पूछेंगे अपने बेटा से। मजदूर के लिए आवाज़ उठाए हैं, या आज मजदूर चारों ओर पिटा रहा है, सबको इतना दर्द लोग दे रहा है, कौन आवाज़ उठाने वाला है? कोई नहीं है, कोई उसका मदद करने वाला नहीं है। एक मनीष रहता तो सच्चाई उठाता था, उसको जेल में कर दिया है लोग, हम क्या पूछेंगे अपने बेटा से, कुछ नहीं पूछेंगे। हाल चाल पूछती हैं या नहीं? पूछती हैं, हाल चाल तो पूछती हैं, ये कैसे रहते हैं, तो कितने दुख में रहते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं हम अच्छा है, माँ का तकलीफ नहीं देखने चाहते हैं। लेकिन माँ को तो बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, हम किस तकलीफ किसके से कहें, भगवान जानते हैं कितना तकलीफ है। 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया वो जेल में है, आप मतलब आज दूसरी बार मिली हैं उनसे, फिर वही ना बोलते हैं जैसे CBI जांच कराइए, CBI बैठाइए, उसको जांच कराइए कि वो दोषी है कि निर्दोषी है। अगर दोषी पकड़े गए तो, दोषी पकड़े गया है तो दोषी तब सजाए होगा, और नहीं दोषी पकड़ा गया तो आए नहीं, अगर दोषी पकड़े माँ का दिल कहेगा कि हाँ सजा दे दो मेरे बेटे। हाँ, एकदम मेरा बेटा निर्दोष है, हम जानते हैं जी मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा में कोई दोष नहीं है, मेरा बेटा खाली सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं, दूसर कुछ नहीं। मेरी माँ के आँख से लोर गिर रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम बाद में हम देखेंगे, पूरा माँ की आवाज़ उठाएंगे, झुकेंगे नहीं, हम पर नहीं गुस्सा करते, कभी नहीं गुस्साते हैं। अच्छा, फिर से वो जब जेल से आएंगे तो उनको आप रिपोर्टिंग करने दीजिएगा या नहीं? अब आगे के दिन बात हम नहीं जानते हैं जी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जनता सब मिलके जो जनता डिसाइड करेंगे वही होगा। तो माँ का दिल क्या कहता है? माँ के दिल तो कहते हैं जब माँ के साथ खाली रहे, घर में से मत निकले, बस माँ के तो यही दिल करता है, दिन रात माँ का आत्मा रोता है। अच्छा, अगले बार फिर से पेशी होगा तो मुलाकात करने आइएगा? नहीं, अब नहीं आएंगे, हमको नहीं बर्दाश्त होता है, हम नहीं आएंगे, अब से अब नहीं आइएगा? नहीं, अब नहीं आएंगे। जाते टाइम कोई बात बात हुआ? हाँ, जाते टाइम यही बोले हैं कि जे माँ रो मत, हमको हिम्मत दो। हाँ, जे हम अच्छा से रहेंगे, रो मत, नहीं तो हमारा हिम्मत टूट जाएगा, आप रोइए मत, बस यही बोल कर गए। मतलब माँ खुद जेल में जा रहे लेकिन माँ को हिम्मत देते हुए जा रहे हैं। हाँ, जब वो बोल के गए कि माँ रोइए मत, हमको हिम्मत दीजिए, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? दिन रात हम रोते हैं, दिन रात कोई के कोने से हमने दिल नहीं मानता है, दिन रात मेरा आत्मा रोता है, मेरा करेजा पड़ता है मेरे बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए दिन रात बस प्राण के चैन नहीं मिलता है। अच्छा, लगातार आप अमित शाह के पास भी गई थी, ज्ञापन सौंपी थी, क्या लगता है जल्द से जल्द रिहाई होगा मनीष कश्यप का?
अच्छा भगवान चाहेंगे तो जल्द से जल्द जरूर होगा। वो निर्दोष आए, एकदम दोषी नहीं है, एकदम निर्दोष आए। मेरा लड़का कोई गलत काम नहीं किया है। बार बार हम बोलते हैं कि जो CBI जाँच कराइए, CBI जाँच कराइए, CBI बैठाइए। मेरा बेटा अगर दोषी रहता तो हम नहीं बोलते कि जो CBI जाँच बैठाइए। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है। मनीष कश्यप का आज सिविल कोर्ट में पेशी था। पेशी के दौरान उनकी माँ भी मिली और माँ का कहना है कि माँ का दिल है, चाहता है कि जितना जल्दी हो मेरा बेटा वापस आ जाए, लेकिन इनके एक और भी मांग है कि जल्द से जल्द CBI से जांच करवाइए। अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाता है तो उन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए, लेकिन मेरा बेटा अगर निर्दोष पाया जाता है तो जो लोग फंसाए हैं उनको सजा दी जाए। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।